नमस्कार, मैं शिवांगी, एवन न्यूज में आपका स्वागत। बड़ी खबर सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर में सेवानिवृत्त शिक्षक राघव प्रसाद से बीते दिन अपराधियों ने मोबाइल फोन पर 20 लाख की रंगदारी की मांग किया था। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षक ने दरौंदा थाना में आवेदन देकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षक के आवेदन पर थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने थाना कांड संख्या 271 21 में प्राथमिकी दर्ज किया था। उस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गोपालगंज से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पहला रोहित कुमार, वहीं दूसरा अनिकेत प्रसाद और तीसरा ललन शर्मा शामिल था। थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई करते हुए मंगलवार को जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर फिर से बता दें कि सिवान के दरौंदा में एक व्यक्ति से अपराधियों ने मोबाइल फोन पर 20 लाख की रंगदारी की मांग की थी, जिसमें पुलिस ने 3 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आपको खबरों से अपडेटेड रख सके। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।